तो यहाँ मैंने थोड़ा सा फ्रेश मिंट लिया है, इसको ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। इसके साथ में आपने हरा धनिया लेना है, जितना मिंट लेना है उससे डबल आप हरा धनिया का यूज कर सकते हैं। इसके साथ में हरी मिर्च डालेंगे, इसमें 5 से 6 आपने इसमें हरी मिर्च डाल देनी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्च का यूज आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपने फ्रेश पालक लेना है, अच्छी तरह से धो के उसको भी डाल देना है। और साथ में आपने इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड करना है। इसके साथ में लहसुन डालेंगे, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं इसको स्किप कर सकते हैं। 10 से 12 कलियां आप लहसुन की डाल दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें ठंडा पानी डालना है और इसके साथ में 3 से 4 क्यूब आपने बर्फ के डालने हैं। बर्फ डालने से क्या होता है, जो हमारा जो पेस्ट है ना एकदम ग्रीन कलर में रहता है, इससे कलर खराब नहीं होता है। तो ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट आपने बना लेना है। तो इस पेस्ट से ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपके पुलाव में। और इसके साथ में यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 1/2 kg बासमती राइस लेंगे। लॉन्ग ग्रीन बासमती राइस का यूज किया यहाँ पे मैंने। चावलों को आपने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लेना है ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो ना अच्छी तरह से निकल जाए। धोने के बाद आपने चावलों को ना भिगोना है यहाँ पे। अगर आपने एक बाउल चावल का लिया है, 2 बाउल भिगोने के लिए पानी के डाल दीजिए। कम से कम 30 मिनट तक आपने इनको भिगो के रखना है। और यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह देसी घी का यूज कर सकते हैं। साथ में आपने 4 से 5 क्यूब बटर के डालने हैं इसमें। अगर आपके पास बटर ना हो इसमें देसी घी ऐड कीजिए। थोड़े से खड़े मसाले, 2 तेज पत्ता, बड़ा टुकड़ा आपने दालचीनी, 1 स्टार एनिस डालने हैं आपने, छोटे 2 टुकड़े आपने इसमें जावित्री ऐड करने हैं, 5 से 6 आप इसमें लौंग डाल दीजिए, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 आपने छोटी इलायची डालनी है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले मसाले हैं ना उनका आपने यूज करना है। इनसे पुलाव में अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। मसालों को थोड़ा सा पकने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें स्लाइस कट ऑफ प्याज ऐड कर देना है। तो 1 बड़ा प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस काट के ऐड किए। यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें से 1/2 प्याज आपने निकाल के साइड में रख लेना है। इसका यूज हम गार्निशिंग में करेंगे। और ये देखिए प्याज जैसे पक जाए इसके बाद आपने इसके अंदर वो पेस्ट ऐड कर देना है जो पेस्ट हमने बना के रखा था। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है क्योंकि इसी पेस्ट के अंदर हमने अदरक और लहसुन भी ऐड किया है। यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम में आपने इस पेस्ट को तब तक पकाना है जब तक ये पकने के बाद अच्छी तरह से घी न छोड़ते। यहाँ पे ऊपर से कवर कर दीजिए। कवर नहीं करेंगे ना बहुत ही अच्छी छींटे मारेगा पेस्ट, आपकी गैस भी गंदी हो सकती है वहां पे। और के देखिए जैसे आपका पेस्ट थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा फिर ये छींटे मारना बंद कर देगा। इसको थोड़ी देर आप भून लीजिए। यहाँ पे अगर आप इस पेस्ट को हाई फ्लेम में पकाएंगे तो 5 मिनट में ही अच्छी तरह से पक जाता है। 1 चम्मच भर के इसमें नमक डाल दीजिए और इसके साथ में अपने मसाले ऐड करने। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है। इसके साथ में आपने 1/2 चम्मच रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी इस पुलाव के अंदर। अच्छी तरह से मसालों को भी मिक्स कर लेते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद आपने इसमें वेजिटेबल ऐड करनी है। तो 1/2 कप आपने इसमें बीन्स ऐड करनी है। देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में काट के डालनी है आपने सब्जियां। इसके साथ में 1/2 कप आप इसमें गाजर डाल दीजिए। थोड़ी सी अगर आप इसमें गोभी डालना चाहें तो गोभी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सब्जियों को भी मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। और ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है सब्जियों को, क्योंकि सब्जियों को अगर आप ज्यादा भूनेंगे तो ये सब्जियां ओवर कुक हो जाती हैं। सिर्फ देखिए मिक्स करना है। इस बाउल से मैंने चावल लिए थे, पानी कितना डाला है, मेन दिक्कत होती है पुलाव में पानी डालने की। तो ये देखिए 1 बाउल मैंने पानी का ऐड कर दिया है और ये 2 बाउल भी डाल दिया मैंने पानी का। तो आप कोई भी चावल बनाते हैं अगर आपने 1 कप चावल लिए होंगे तो 2 कप आपने इसमें पानी ऐड करना होता है। अच्छी तरह से सब्जियों को भी मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। ऊपर से कवर कर दीजिए। हाई फ्लेम में बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जैसे बॉयल आ जाएगा ना इसके बाद आपने साथ साथ में इसमें चावल ऐड कर देने हैं। सब्जियों को ज्यादा पकाना नहीं है और थोड़े से हरे मटर भी डाल देते हैं। फ्रोजन मटर का मैंने यूज किया है। और ये देखिए चावलों का जो पूरा पानी है आपने अच्छी तरह से निकाल देना है। चावलों के अंदर ना पानी नहीं रहना चाहिए। अगर इनके अंदर पानी रह गया ना तो आपका पुलाव ना अच्छा खिला खिला नहीं बनेगा, वो गीला हो सकता है। तो ये देखिए पूरे के पूरे राइस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कभी भी आप चावल पानी में बॉयल करने के लिए डालते ना एक बार उनको ना हिलाना जरूर है पलटे से, नहीं तो उनके ना लम्स बन जाते हैं। ऊपर से कवर कर देते हैं। हाई फ्लेम में बॉयल आने तक का वेट करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा इसको बॉयल आने में, लगभग 2 मिनट में आपके जो चावल है प्रॉपर उबलना शुरू हो जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में आपने चावलों को कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है।
तो ये देखिए मुझे चावलों को पकाते हैं भाई, टोटली 5 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट मैंने पहले राइस को पकाया था, 3 मिनट मैंने राइस को बाद में पकाया है, और जिनका मॉइस्चर है, जिनमें पानी हमने ऐड किया है, वो कम होना शुरू हो चुका है, और चावलों में जो लेंथ है वो भी आना शुरू हो चुके हैं। नमक मिर्ची चेक कर लीजिए, अगर आपको कुछ कम लगे तो ऐड कर सकते हैं। इस टाइम में मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड किया है, क्योंकि नमक जो है पुलाव में बराबर होना चाहिए। नमक कम रहेगा पुलाव फीका फीका लगेगा खाने को। और ये देखिए फिर से ऊपर से 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो यहाँ मुझे पुलाव को पकाते हुए टोटली 7 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आपने एक बार कवर हटाना है, और ये देखिए इसके बाद जो चावलों के अंदर पानी रहेगा ना वो बिल्कुल कम हो जाएगा, और चावलों को आपने हल्का सा ना हिला भी देना है। देखिए बिल्कुल आराम से हिलाना है, क्योंकि चावलों में अच्छी लेंथ आ चुकी है, ज्यादा पलटी करेंगे चावल टूट जाते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए फॉइल पेपर से या किसी पेपर से, अच्छी तरह से कवर करना है। ऊपर से देखिए कढ़ाई का ढक्कन लगा देते हैं और अच्छी तरह से इनको बंद कर देते हैं, दम लगाना है। इससे आपके चावलों में लेंथ भी आएगी, सॉफ्टनेस भी आएगी। और ये देखिए आपने एक मोटा सा तवा लेना है रोटी बनाने वाला, उसके ऊपर आप पुलाव को रख दीजिए और 8 से 10 मिनट तक पुलाव को लो फ्लेम में पकने दीजिए। तब तक रायता बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आपने 150 ग्राम दही लेना है, और दही को आपने अच्छी तरह से बिस्किट की सहायता से फेंट लेना है, अच्छी तरह से बीट कर लेना है, देखिए इस तरह से, ताकि दही के जो लम्स हैं वो खत्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड करना है, साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं, और इसके साथ में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है, और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से इन सबको आपने मिक्स कर लेना है। तो ये जो हम इसमें लंबा लंबा कटा हुआ प्याज ऐड करते हैं, जब आप इस रायते को पुलाव के साथ खाएंगे ना, तो आप टेस्ट देखिएगा, कच्चा सा प्याज का टेस्ट आता बहुत ही बेहतरीन आता है। तो इस तरह से आप 2 मिनट में पुलाव के साथ ये रायता बना के तैयार कर लीजिए। अब हम पुलाव चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए, और इस पुलाव को कम से कम 5 मिनट तक आप थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। यहाँ मैंने पैन लिया है, 1 क्यूब उसमें बटर का ऐड करेंगे, और बटर के अंदर आपने थोड़े से क्यूब पनीर के ऐड करने हैं। पनीर को थोड़ा सा ना बटर के साथ पका लेते हैं, और जैसे आपके पनीर में हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें थोड़े से ड्राई नट्स ऐड करने हैं, जैसे कि काजू और आलमंड, और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और मीडियम फ्लेम में आपने इनको भी थोड़ी देर पका लेना है, ताकि इनमें अच्छा क्रंच आए। थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है, और थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए ऊपर से, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए पनीर के बाहर से अच्छा कलर आ चुका है, और जो काजू और बादाम डाले हैं वो भी अच्छे क्रंची हो चुके हैं बाहर से। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, और इसके बाद पुलाव का ढक्कन हटाना है आपने ऊपर से। तो ये देखिए कि जो हमारा पुलाव है बहुत ही खुशबूदार पुलाव बन के तैयार हो चुका है। आपने इसके ऊपर काजू बादाम और पनीर डाल देना है, और इनको आपने पुलाव के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ऊपर से आप पनीर काजू बादाम डालेंगे ना, पनीर भी सॉफ्ट रहेगा, काजू और बादाम के अंदर अच्छा क्रंच रहेगा। तो ये हमारा हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हो चुका है। और जब आप पलटे से चावलों को पलटी करेंगे ना, तो साइड से पलटे से चावल निकालने, देखिए इस तरह से बीच में नहीं पलटा चलाना है, हल्की सी